नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिद्धपीठ मां सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे सेवा का शुभारंभ किया और मां सुरकंडा देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश के सुख एवं समृद्धि की कामना की है। सुरकंडा देवी मंदिर जाने के लिए लगभग 5 करोड़ की लागत से बने रोपवे की लंबाई 502 मीटर है। सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे सेवा उत्तराखंड राज्य गठन के होने के बाद पहली महत्वपूर्ण रोपवे परियोजना है जिसका निर्माण राज्य पर्यटन विभाग ने किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मां सुरकंडा देवी के लिए रोपवे सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं को सुगमता होगी, इससे स्थानीय स्तर पर लोगों की आजीविका भी बढ़ेगी। उन्होंने जिलाधिकारी टिहरी को इस क्षेत्र में अस्थायी हेलीपैड के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। देहरादून के मालसे से चंपा देवी के घर में आग लगने की सूचना पर मसूरी से विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने अग्निशमन एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को तत्काल राहत देने के लिए आभार जताया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री ने कहा कि खाने रहने से संबंधित किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे कार्यकर्ता यहीं पर रहेंगे और उन्होंने स्थानीय पुलिस कर्मियों और जिला प्रशासन को भी निर्देशित किया कि उनको तत्काल सहायता प्रदान की जाए। मंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर भी पीड़ित परिवार की सहायता करेंगे। इस मौके पर अनुराग सिंह, प्रमिला रावत, संध्या छेत्री आदि उपस्थित रही। सीएम पुष्कर सिंह धामी का सरकारी एयरक्राफ्ट तकनीकी खराबी के कारण दिल्ली से उड़ान नहीं भर पाया, मजबूरन उनको हेलीकॉप्टर से देहरादून लौटना पड़ा। देरी के चलते सुबह उनके सभी कार्यक्रम रद्द करने पड़े। अलबत्ता वहीं नई टिहरी में सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे के उद्घाटन पर पहुंच गए और इसको अंजाम दिया। ये मामला बेहद संवेदनशील कहा जा सकता है। ये साफ नहीं कहा गया कि विमान में तकनीकी दिक्कत देहरादून से उड़ान भरते समय की थी या फिर दिल्ली एयरपोर्ट पर पार्किंग के दौरान ये नजर आई। दिल्ली से मुख्यमंत्री को सुबह लौटना था, उनको तमाम कार्यक्रमों में शरीक होना था। अचानक मालूम चला कि सरकारी विमान जो सिर्फ सीएम या फिर कभी कभी राज्यपाल के इस्तेमाल के लिए है उसमें तकनीकी गड़बड़ी आ गई है। इस पर विमान की उड़ान को छोड़ के हेलीकॉप्टर से आने का फैसला लिया गया। लंबा सफर होने के कारण आमतौर पर वीवीआईपी सवारी दिल्ली से देहरादून विमान से ही आना पसंद करते हैं। एसडीआरएफ टीम को सूचना मिली कि नीम बीच के पास दो युवक गंगा नदी में नहाते समय डूब गए, जिसकी सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता पड़ी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट ढारवाला से रेस्क्यू टीम मुख्य आरक्षी सुरेश तोमर के नेतृत्व में तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। एक युवक को जिला पुलिस और लोकल गाइड द्वारा रेस्क्यू कर उपचार के लिए ऋषिकेश एम्स ले जाया गया। दूसरे युवक जिसका नाम रमांश पाठक बताया जा रहा है, जो कि जालौन का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश के सर्चिंग हेतु एसडीआरएफ टीम द्वारा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एसडीआरएफ टीम के डीप डाइवर्स द्वारा गहराई तक जाकर भी गहन सर्च किया गया, लेकिन देर शाम तक युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया। देहरादून में कोरोना खत्म होने के तत्काल बाद ही आयोजनों और शादी और अन्य समारोह पूरे शबाब में हो रहे हैं। पनीर के व्यंजन हर जगह अनिवार्य रूप से परोसे जा रहे हैं। देहरादून की मांग और हो रही आपूर्ति को देखते हुए ये शक हमेशा ही रहा है कि यहाँ नकली और जहरीला पनीर भी लोगों को खूब खिलाया जा रहा है। शादियों में देसी किस्म के केटर इस किस्म के पनीर का खुले तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सस्ता और कमाई अधिक होने के चलते वे इसको धड़ल्ले से तरजीह दे रहे हैं। गाँवों, बस्तियों के साथ ही रेस्टोरेंट, होटल्स में भी शादियों के आयोजनों के साथ इस किस्म के पनीर खूब मांग में है। शिकायतों का अंबार लगने और इस किस्म के अवैध कारोबार को रोकने के लिए डीएम राजेश ने कई टीमों का गठन कर छापेमारी शुरू कर दी। जिला खाद्य सुरक्षा टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की। अभियान के तहत 3 टीम शहर के अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई में जुटी है। उपायुक्त गढ़वाल मंडल राजेंद्र यादव के नेतृत्व में सहारनपुर रोड भंडारी बाग में भी तैनात की गई है। परिसंपत्ति के बंटवारे को लेकर यूपी ने जो तेजी बातचीत में दिखाई थी, अब आदेश करने में उतनी ही हीलावाली की जा रही है। पिछले साल 28 नवंबर को लखनऊ में तय फैसलों के अनुसार यूपी के 2 महीने के भीतर सिंचाई विभाग के भवन, जमीन हस्तांतरण और जलाशय और नहरों में वाटर स्पोर्ट्स की अनुमति जारी करनी थी,
पांच महीने बाद भी ये मामला जस का तस बना हुआ है। यूपी के स्तर से हो रही हिलावाली पर राज्य के सिंचाई अफसरों ने सरकार को रिपोर्ट दे दी है। उनका कहना है कि यदि समय पर आदेश हो जाते तो उत्तराखंड नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकता था। सिंचाई विभाग की परिसंपत्ति के बंटवारे के विवाद को सुलझाने के लिए राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहल पर यूपी के साथ पिछले साल उच्च स्तरीय बैठक भी हुई थी। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित 10 जेक्लाई आर्मी के कैंटीन में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। रुद्रप्रयाग में फैला धुआं तो आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं आर्मी के जवान कैंटीन में लगी आग से सामान बचाने में जुटे रहे। मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस और प्रशासन भी फायर ब्रिगेड के साथ आग पर काबू पाने में जुटे रहे। आर्मी कैंटीन में भीषण आग का तांडव वैसा रहा कि पूरा रुद्रप्रयाग शहर धुएं से भर गया। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों आग पर काबू पाने में जुटी रही और वहां पर जो भी बचा कुचा सामान था उसे किसी तरह से बचाया है। हालांकि ये वजह साफ नहीं हो पाई कि किन कारणों से आग लगी है। रविवार को सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सहकारिता मुख्यालय में आला अधिकारियों सहित जिले स्तर के अफसरों की समीक्षा बैठक में कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारियों द्वारा ये आंकड़े प्रस्तुत किए। डॉक्टर रावत ने बैठक में कहा कि कोऑपरेटिव बैंक ग्रामीणों की रीढ़ है। आने वाले समय में ब्लॉक स्तर पर सहकारिता मेले लगेंगे जिसमें ग्रामीणों को 0% ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। डॉक्टर रावत ने सहकारिता बैंकों में कोरोना काल से इस वर्ष डिपॉजिट कम होने पर नाराजगी जताई। डिपॉजिट बढ़ाने के लिए उन्होंने बैंक अफसरों से व्यक्तिगत प्रयास करें और टारगेट्स पर कार्य करने के लिए यहां पर आदेश दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले नया गांव में अपने अभिनंदन समारोह में वादा किया कि उत्तराखंड के गोरखाली पूर्व सैनिकों की दिक्कतों और समस्याओं को जल्द हल करने के लिए ठोस कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने फिर दोहराया कि सरकार महिलाओं को साल में 3 मुफ्त गैस सिलेंडर देगी और यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। साथ ही कहा कि उत्तराखंड में सैनिक पृष्ठभूमि के लोगों की अधिकता है। वन रैंक वन पेंशन के साथ ही सैनिकों की समस्या के समाधान एवं उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। नेपाली मूल के पूर्व सैनिकों की समस्याओं पर गंभीरता प्रकट करते हुए कहा कि इनको जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। उनके बच्चों के सामने डोमिसाइल बनाने में आने वाली समस्याओं को हल किया जाएगा। बागपत के चपरौली थाने में मंदबुद्धि युवक ने घुसकर दारोगा देवेंद्र दुबे पर ईंटों से हमला कर दिया। वहीं हेड कांस्टेबल शोकेंद्र पाल पर सरयू से हमला कर दिया। इससे थाना परिसर में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल घायल दारोगा और हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। कन्नौज में 4 दिन युवा कैदी ने जिला जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अपहरण कर रेप और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में युवक जेल में बंद था। रुद्रप्रयाग में भगवान केदार की उत्सव डोली यात्रा से शुरू हो विग्रह मूर्ति स्थानीय परंपरा अनुसार आज सुबह पूजा अर्चना के साथ उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से केदारनाथ के लिए प्रस्थान कर रही है। दरअसल सुबह 6:25 पर बाबा केदार के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए। बजनौर में मलावली थाना क्षेत्र इलाके में घर में सो रहे पूर्व ग्राम प्रधान के अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मंडावली के रामपुर चाठा गांव में आज रात्रि में सागर सिंह सैनी नाम के एक व्यक्ति के सोए हुए हालत में लगभग 1:30 बजे तमंचे से गोली मार करके हत्या कर दी गई। एक फायर था, उनके बेटे हरिंदर जब जगे तो सोचा कि टायर की आवाज़ है। देखा तो एक व्यक्ति भाग रहा था, उसकी पहचान नहीं हो पाई है। इनकी क्या रंजिश है, पारिवारिक गांव की या अन्य कोई बात, तहकीकात छानबीन की जा रही है। सागर की 2 पत्नियां हैं, 15 बच्चे हैं। संपूर्ण तथ्यों को संज्ञान में लेकर के घटना का अनावरण के लिए पुलिस टीमें लगाई गई।
फिरोजाबाद के रूरल रेल प्रशासन में उस समय हड़कंप मच गया जब शाम को आंधी के दौरान कंट्रोल ऑफिस के पीछे रेलवे के एसएनटी डिपार्टमेंट के स्टोर में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते स्टोर में रेलवे का रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची करीब आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। सहारनपुर में अवैध रूप से संपत्तियां बनाने वाले माफियाओं के खिलाफ सहारनपुर में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई, जहां अवैध खनन कारोबारी माफिया हाजी इकबाल के खिलाफ 21 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। सहारनपुर जिला प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफिया और पूर्व बीएसपी एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। देखिए, जनपद सहारनपुर में एक हाजी इकबाल उर्फ बाला का एक सक्रिय गैंग है। इस गैंग के कई मेंबर्स हैं। इस गैंग को हम लोगों ने पंजीकृत कर रखा है और 9 अप्रैल को इन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई थी। पूर्व में भी 80 बीघा जमीन करीब गलत एलोकेशन को रिलेटेड एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें 2 राजस्व अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई थी और 2 अन्य को दोषी पाया गया था, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इसमें भी इकबाल वाला और अन्य लोग वांछित हैं। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के बाद आज हाजी इकबाल के मुंशी, जो पहले उसका नौकर हुआ करता था नसीम, उसकी करीब लगभग हमने 21 करोड़ की प्रॉपर्टी को गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज किया है। पीलीभीत के ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती को लेकर संकट मंडरा रहा है। दरअसल पीलीभीत में बिजली कटौती को लेकर बीजेपी विधायक ने बिजली समस्या को लेकर चिट्ठी लिखना गजब हो गया है। बता दें कि चिट्ठी लिखने के बाद विद्युत विभाग के अफसरों ने कई ग्रामीण इलाकों के बकाया दरों के लगभग 2000 से ज्यादा कनेक्शन काट दिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से दोबारा भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, इसके बावजूद अभी पिछले दिनों नवरात्र का त्यौहार और इस समय मौजूदा समय में रमज़ान का पवित्र त्यौहार, इन दो त्यौहारों के बीच में बिजली कटौती जिस तरीके से की जा रही है, ये महसूस होता है कि उद्योग धंधों पर तमाम चीज़ों पर असर पड़ रहा है। ऋषिकेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार तीर्थ नगरी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब सीधे और साफ तरीके से दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ काम करना है और पार्टी को मजबूत करना है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।